Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर मैथमेटिक्स फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज होल नंबर्स. आज हम रिव्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखा था कि हम रोमन नंबर्स 20 तक किस तरह लिख सकते हैं और उनको किस तरीके से रीड कर सकते हैं. हमने ऑड नंबर्स को 99 तक देखा, उनके सीक्वेंस को बेसिकली हमने रिकग्नाइज किया और हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. इसके अलावा हमने प्लेस वैल्यू देखी 5 डिजिट्स तक की और साथ साथ हमने 2 डिजिट्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना भी सीखा. तो अब चलते हैं बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ. रिव्यू एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन रोमन नंबर्स. नाउ ये रोमन नंबर किसके इक्वल है? 10, 15, 16, 17 एंड 18. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन 1275 is, ये क्या हो गया? यूनिट 10 एंड 100. तो ये क्या हो गई यहाँ पे? ये 100. 9720. 9720 is this is. जी 24, 25, 21 and 27 can be written in descending order. Descending order होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना. तो यानी कि बड़े से छोटे पे जाएंगे तो 27, 25, 24, 21, ये ऑप्शन डी. 18 कैन बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 पे. अगर हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या बनेगा? 20. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. 35 कैन बी राउंड ऑफ एज टू द नियरेस्ट 10. अब नियरेस्ट 10 पे जब 35 राउंड ऑफ होगा तो वो यहाँ पे 30 पे होगा. इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर रिटन फ्रॉम, किस तरह लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में? ये वाली ऑप्शन लोएस्ट टू हाइस्ट. नंबर्स ऑफ व्हील इन अ कार आर बेसिकली 4. अब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3. तो वो क्या होंगी? वो होंगी इवन. इन एन ऑड नंबर द डिजिट्स 1 प्लेस आर, ठीक है. अब डिजिट 1 की कौन सी प्लेस होगी? ये हमारे पास ये वाली 1, 3, 5, 7 एंड 9. ये जो दूसरी ऑप्शन है ये तो हमारे पास इवन नंबर की है. नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली राइट द फॉलोइंग डिजिट्स इन द रोमन नंबर्स. तो दिस इज 3, 6, 9 एंड दिस इज 17. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स. नाउ ये 3 है, उसकी प्लेस वैल्यू 300 है. नाउ इसकी हमारे पास 0, 100 है. नाउ इसकी क्या है? ये हमारे पास लास्ट में आ रहा है तो दिस इज 5. ये हमारे पास 80,000, आपके पास 5 डिजिट है तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा? थाउजेंड्स में आएगा तो उस वक्त 0 है और ये हमारे पास 3 है. राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड. एक नंबर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बाकी आप अपने ओन पे लिखेंगे. जैसे कि ये 400 एंड 75 है. नेक्स्ट हमारे पास है 7200 एंड 65. नेक्स्ट हमारे पास 9999. आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. नेक्स्ट 9765. नेक्स्ट इज 8701. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि इन नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना है. अब नंबर्स हमें दे दिए गए हैं, हमने इनको दोनों में लिखना है. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से शुरू करेंगे. सबसे छोटा क्या है? 35. उससे बड़ा 37, 49 एंड 64. नाउ इधर अगर हम देखते हैं तो अब डिसेंडिंग में लिखना है हाईएस्ट 64, देन 49,
37 एंड 35। सेम इज द केस, यहाँ पर देखते हैं हाइस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, यहाँ देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो सबसे छोटा 100 जो हमारे पास आ रहा है इसमें, वो आ रहा है 169, देन 214, 314, देन 600 एंड 712। अब इसको देखते हैं डिसेंडिंग में हाइस्ट 712, 600, देन 314, 214 एंड लास्ट वन इज 169। राइट द इवन एंड ऑड नंबर सेपरेटली। इस तरह करते हैं कि इवन नंबर्स को मैं सबसे पहले देखती हूँ और इनको टिक कर देती हूँ। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि टू के टेबल पर डिवाइड होते हैं। दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर एंड दिस इज इवन नंबर। और ऑड नंबर्स हैं ये वाले, ये मैंने सेपरेट कर दिए। आप एक कॉलम बनाकर इसमें सेपरेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन 0, 20 का गैप आ रहा है 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। कंपेयर 417 एंड 471 बाई यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन। जी 417, ठीक है जी 417। अब हमारे पास क्या है 417 और 471, इसको हमने कंपेयर करना है। 417 हमारे पास, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 47 एंड 471, 471 इज लेस देन, ये लेस देन है 471 से। तो लेस देन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, लेस देन को हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस कि ये लेस देन है 471 से। और अगर मैं कहती हूँ कि 471 जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन है 417 से, तो मैं इसको अब रिप्रेजेंट करूँगी इस तरीके से। नियरेस्ट 10 पे इनको रिप्रेजेंट करवाना है और नियरेस्ट 100 पे। नियरेस्ट 10 पे ये 40 हो जाएगा, नियरेस्ट 100 पे जाएंगे अगर हम इस पे तो ये हमारा बन जाएगा 330। इसी तरीके से ये आपने सारे का सारा कंप्लीट कर, अगर हम इसके नियरेस्ट 100 पे जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 100। नियरेस्ट 100 33 से छोटा है, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा बेसिकली हमारा 100। इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसको नियरेस्ट पे जाएंगे नियरेस्ट 10 पे, तो ये नियरेस्ट 10 पे ये 90 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। अगर हम इसको नियरेस्ट 10 पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 420 एंड दिस इज 500। इसको लेके जाते हैं 79 है, नियरेस्ट पे लेके जाएंगे तो 680 और ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 700। इसको लेके जाते हैं नियरेस्ट 10 पे तो ये 500 और इसको भी यहाँ पर 500। और इसी तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको अगर हम नियरेस्ट 10 पे लेके जाएंगे तो ये हमारा बनेगा 30। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।